इन्हें MSP पर आश्वासन दियो, किसान चले गए, ना कोई कमेटी है, ना वहाँ कोई काम है। 100 ट्रैक्टर तो यार इलाहाबाद में धानन के भरे खड़ी, कोई तुलने को ढंग नहीं, कोई ढंग नहीं। तो भैया इन्हें जगा दे, सोल्यूशन निकल जाएगा। आंदोलन ऐसे ही चले करें ना, आंदोलन को हुड़दंगाते चले करें। क्यों हुड़दंग कम मचाया तुम लोग? हमने कहा हुड़दंग मचाओ, हुड़दंगाई है हम। हम हुड़दंगाई है, ज्यादा ज्यादा घी पिया हो या बीजेपी को? तू तो हुड़दंगाई दिखाई दे रहे हैं। हम रोडों को बंद कर ले, काहे को करें हम रोडें ना बंद? हम ना करें ये तो भैया। तो राजधानी को बंधक बना लिया था। कौन की राजधानी? देश की राजधानी को। हमारी भी राजधानी है वो, आगे समझ में। और राजधानी हमने बंधक ना बनाई, ये जो गलत सरकार चुन के बैठी है वो बंधक बनाई पड़ी है भाई। हमारा क्या मतलब? सरकार ने कहा कि 15 तारीख को कमेटी बनेगी, उसमें जो भी फैसला होगा। अभी तो स्टार्टिंग है ना, धीरे धीरे काम। अरे तो हम भी जगा ही रहे यार, धीरे धीरे ही कर रहे हैं हम भी भाई, हम भी धीरे धीरे ही चल रहे। साहब कहे की वादा खिलाफी करे, इन्होंने विश्वासघात कर दिया हमारे साथ। कैसे कैसे विश्वासघात करा सरकार ने हमारे साथ? कौन ने कही ये बात? टिकैत साहब कह रहे, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इन्होंने भारत के किसान के संग विश्वासघात करो, सही कह रहे हैं। कैसे, क्या विश्वासघात? अरे विश्वासघात है, ये आश्वासन देकर उठा दिए बापे। एक बिलान ना चले अभी आगे, कोई टाइम ना है। तो पहले दिन से दे रहे थे आप? हाँ तो कोई बात ना यार, अभी ने जगा ही दी, फिर अपनों को हिलो देखेंगे। आप लोग कह रहे हैं यूपी मिशन चलेगा अब अगर सरकार नहीं मानती है? यूपी मिशन नहीं, भारत मिशन। यूपी मिशन नहीं, भारत मिशन। नहीं, आपके नेता तो यूपी मिशन कह रहे हैं। हाँ तो चलो, तो मैं वहाँ में एक बार लाइन और जोड़े दूँ, भारत मिशन की कौन सी आफत आ गई? और अब सत्ता परिवर्तन के खिलाफ लगाई नहीं है, आने वाले टाइम में व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लगाई चलेगी। किसान नेता तो चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में। कौन सो किसान नेता चुनाव लड़ रहे हो? फिर कहा है वो तो कोई लड़ रहा होगा, वहां कौन सी आफत आ गई? चुनाव आई, देश के आदमी तो लगे हैं, कब हार के आमे लड़ने? चुनाव लड़ने गए थे बॉर्डर पे। कौन से बॉर्डर पे गए चुनाव लड़ने? नहीं नहीं सुनो, इतना बड़ा देश है, बहुत सारे लोग हैं, कोई लड़ रहा होगा तो या तो क्या मतलब है? या तो क्या कैसे नेता के स्कूल खुलने हैं कहीं बने नेता? या भीड़ में ही बन जाए सगरे? हाईलाइट होने गए थे ना? हाईलाइट होने हम कब गए भाई? किसान अपने काम में निपटाने गए हो? नहीं आपको, तुम तो यार पहले दिन से इतने बड़े वकील हो या बीजेपी के, तुम्हारा में काम भगवान भरोसे ही चल लो। तुम बड़े बारे में भी अच्छे हो जो ऊपर बैठे कहाँ हैं? जो आम किसान हुआ 13 महीने रहा ठंड में बरसात। बेटा आम किसान ही रहे, और किसान की लड़ाई है कोई? हम में थे चलो 50-40 लाख की भीड़ में थे, कोई कहीं चुनाव जा लेगा तुम हम काय को धारा लगा रहे हो बिना वजह की बात पे? लेकिन वो किसान आज ये पूछ रहा है कि हमें क्या मिला इन 13 महीने में? हमें आंदोलन करने के लिए एक आत्मबल मिल गए हो, जो आगे को परेशानी ना दे। पहले आंदोलन ही नहीं करते थे? पहले करे है, इतना बड़ा ना हो, बहुत बड़ा आंदोलन हो, यहाँ से बहुत बड़ी सीख मिली है। आपको लगता है सरकार आगे सुनेगी? आप क्यों ना सुनेगी, क्यों ना सुनेगी भाई? जब अभी तक नहीं सुनी, मक्की भिनकंगी ना सुनेगी तो सरकार बना 400-400 बारन पे भिनक रही है, तो वहाँ आंकड़े पे भी ना पहुंचे अभी। सरकार ढूंढे ना मिले, 3 रह जाएंगे कोने में, बता रहा हूँ मैं। तो ना सुनी तो सुननी पड़ेगी इन्हें। तुम ही तो कह रहे तो बिल वापिस नहीं हूँ, हो गए हो गए, ऐसे ही होगा काम। देखते रहे तो खुश है आप बिल वापस से? हम खुश है, पूरा देश खुश है। तो अभी पाउच में मिलते खाने को, पाउच में, इतने से पाउच में जीने लग। अपने जमीन बचाई है ना किसकी? लेकिन मेन चीज नहीं मिली ना जिसके लिए आप लोग। हाँ भैया मिलेगी, अब मिलेगी, अब काम चलेगा यार, कहीं गांठ खुली तो है, अब खुलेगी, काम चलेगा, बेचिंता रहे। हम दोबारा लाएंगे कानून, कृषि मंत्री दोबारा ना आनो यार, खामोखा की बात करे जो आदमी आनो जानो नहीं, भाग भाग के गीत ले आए तुम। कृषि मंत्री दोबारा ना आनो, 3 साल तो है काय के, 3 साल है, साल भर पीछे चुनाव ढूंढने लगेंगे ये के जीते हैं के हारे हैं। अभी तो चिंता चढ़ जाएगी, रुके हो रहे अभी 10-20 दिन। गृह मंत्री जी पर्चा बांट रहे हैं नोएडा के टोडा में, और क्या करेंगे ये इन पे? यू का एक काम पे तो आएगा, ये गांव गांव तो या किसान ने डुला दिए दरवाजे दरवाजे पे। हम तो कहें ना इनके दरवाजे भीख मांगने, ये डोलन लगे तो चर्चाएं करते फिर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हाँ तो करन दे संपर्क, खूब करो, आप हटा के देश के गृह मंत्री हैं, कछिल्ले तो कर रहे हैं बेचारे वो भी। लेकिन ताऊ आपने बताया नहीं जिस चीज के लिए यूपी का किसान खासकर गया था। यूपी को ना हो बेटा, पूरे देश को किसान हो, पूरे देश को किसान की हालत खराब है। ऐसे क्यों भागते हो? नहीं
देखिए हरियाणा पंजाब के किसान जो नेता है उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, उन्हें अरे भैया पार्टी बना लंदे मैं का मने करूंगा इसे, तुम ये पत्रकार भी एक पार्टी बना लो, इस मीडिया इकट्ठी है कि एक पार्टी बना ले, जितने एंकर है सब सब लग जाए यही काम पे, मैं मने कर रहा हूँ भाई। आजाद देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक रजिस्ट्रेशन तुम भी करा लो, तू भी कहीं से विधायक लग लीजो। यूपी के किसान आफत आ रही है यार, ताऊ जी ना यूपी के किसानों को जिस बात का डर था वही हुआ ना कि हमें एमएसपी नहीं मिलेगी। मिलेगी, नो शब्द डिक्शनरी में ना है, मिलेगी। आंदोलन के मारे हैं तो अंग्रेज तुर्की लगा गए, तू ये कह रहा हूँ मिलेगी मिलेगी, एमएसपी से नीचे आने वाले टाइम में भारत को किसान अपनो अनाज बेचनो खाद्यान्न बेचनो पसंद नहीं करेगा। खाली किसके भरोसे किया था ताऊ जी, किसके? देखो ये आंदोलन में आश्वासन मिलते रहे, झूठ सच आगे आती रहे, ये कोई बात ना, ये चलते रहे। भारत किसान यूनियन, भारत किसान यूनियन, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, पावर खटाना, पावर खटाना, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, चौधरी नरेश टिकैत। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ओ वोट टिकैत सरकार को वोट आ जाएगा उसमें, गृह मंत्री के लिए हमारे लिए थोड़ी कोई काम, तुम्हारे बड़ी कमाल की बात, तुमको लगाएगा वोट रो परचन ने कति कोई कहने दे ना, बस दूसरा मामला है कारण ना जो आओ जी इलेक्शन है। अच्छा मतलब कोरोना है नहीं? नहीं आराम से एक लाइन आओ एडम आओ हो जा तुम वो सब फैल जाओ आओ जी एडम साहब लगा ले बात अपने लगाओ भाई नारे जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय किसान जो ने माने झंडे से वो माने का डंडे से।